Good morning, everybody. Good morning, Eid Mubarak to all my lovely, lovely kids. Good morning. Kaise ho aap log sab? Eid Mubarak ho sabko. Good morning. Good to see you all. I hope you're all doing well. Chali kal aapka test hai, varna to mera man kar raha tha ki aapko Eid ki chutti de hi di jaye, but kal aapka ecosystem tak ka test hai aur hamara kal ka thoda sa topic bhi bacha hua hai. To ek kaam karte hain, jaldi se apna aaj ka syllabus khatam karte hain taki हम कल टेस्ट में एकदम बढ़िया से कर सके परफॉर्मेंस. यस एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए लेट्स स्टार्ट. D2021 का क्रैश कोर्स चल रहा है, इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं. क्लास में मेंटी क्विज आज तो 100% होने वाला है. सो गुड मॉर्निंग, लेट्स गेट स्टार्टेड. Ecosystem karte hai. My name is Dr. Mani. I am the best teacher awardee at National Teachers Conclave in 2017, 2018 and 2019. I am the head of department of biology. I come with over 10 plus years of experience, thousands of NEET selections and one of the oldest master teachers of Vedant. Right everybody, bada jaye. ye hum bahut hi amazing career aid karne wale hain jiska session lene wale hain hum log, all of us here together for you, finding out whether PCB ya PCM. What is a better option for you? इसमें कॉमर्स की, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सब की बातें होने वाली. सो ईद मुबारक मेरे प्यारे बच्चों. और मैं आपको एक चीज जो बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, पर एक और बार रिपीट करना चाहती हूँ आज फॉर एवरीबडी, दैट अगर आप ये क्रैश कोर्स शिद्दत से, ईमानदारी से लगाओगे, रोज लगाना पड़ेगा. अगर आप ये क्रैश कोर्स, और आपकी स्लाइड से देखो माशाल्लाह एक एक चीज करवा दूंगी मैं आपको, तो अगर आप ये क्रैश कोर्स शिद्दत से और ईमानदारी से करोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके 360 और 360 आएंगे. मेरे को थोड़ा सा जुकाम टाइप का फील हो रहा है और अभी इतना मतलब डर वाला माहौल हो गया है कि आदमी को अगर हल्का सा जुकाम हो जाए तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ऐसा ना हो कि बैंड ही बज जाए भाई. राइट, इसलिए आपको पता है कल शाम की क्लास में नहीं ले पाई थी बिकॉज यू नो गला खराब है. ठीक है, और दवाई ववाई खा लेते हैं, राइट हो जाएगा, बट इतना कोई डर की बात नहीं. इट्स जस्ट एक्सर्शन. आपको याद होगा यार पिछले साल भी क्रैश कोर्स वगैरह जब हम लेते थे तो कितना ज्यादा एक्सर्शन हो जाता था, इतनी ज्यादा बैक टू बैक क्लासेस, तो एक्सर्शन की वजह से थोड़ा सा गला खराब हो ही जाता है. बट यस, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स लगाओगे तो 360 और 360 पक्का है. Guys, इसका ईमेल आईडी है biotonics4biotonics.talent@gmail.com. फटाफट डाल दो एंट्रीज, वैसे मैंने क्लोज कर दी है. तो रोज सुबह 10 AM क्रैश कोर्स, 5 PM क्लास 11 की क्लास, और 12 की क्लास होती है 9 PM. एंड संडे स्पेशल मैराथन करवा रही हूं मैं, पता है ना आपको, सुपर संडे स्पेशल मैराथन होने वाला है केमिस्ट्री में, वो भी सबसे डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री. पता है ना आपको कौन सा है, सबसे डिफिकल्ट, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स. राइट, और कल तो आपकी ये पूरा यूनिट का इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज का टेस्ट है. इसीलिए आज की क्लास लेना बहुत जरूरी है. आज शाम को विटामिन्स में तो हर साल क्वेश्चन आते हैं. फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज मैं ऊजेनेसिस करवाऊंगी क्योंकि कल आपको ऊजेनेसिस नहीं करवाया. तो इसी बात में चुनू नो गैंगस्टर्स, कर दो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने क्रैश कोर्स की कॉपी खोल दो. क्या सबने एक स्पेशल क्रैश कोर्स कॉपी बना दी है मेरे कहने पे? वन स्पेशल क्रैश कोर्स कॉपी तो ओपन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. एवरीबडी बिकम अ पार्ट. एंड हिरन जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर चाइल्ड. राइट, न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूं मैं आपको, मतलब मैं तो क्या करवाऊंगी, वसीम सर करवाएंगे आपको. बड़ा ऐसा दिया बच्चों को ना फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कराए जाए. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बायोटॉनिक फॉर नीट. राइट, और ये मेरा यूजर नेम है एंकर ऐप पे, और ये मेरा यूजर नेम है. राइट, मैं अभी इसमें एपिसोड्स डालना शुरू करने वाली हूँ. कंपैशन ग्रेटिट्यूड इज माय यूजर नेम ऑन टेलीग्राम. चले इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में. लेट्स गेट स्टार्ट. तो कल की लेक्चर को जहां पर हमने कल खत्म किया था, गाइस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, मुझे आई वॉन्ट एवरीबडी टू मेक श्योर दैट यू लाइक्ड, आई वॉन्ट एवरीबडी टू मेक श्योर दैट यू शेयर, एंड यू आई वॉन्ट एवरीबडी टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. डन, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द लास्ट टॉपिक, और उसके बाद आई विल मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक. एवरीबडी बिकम अ पार्ट ऑफ बी बायोटॉनिक. चलिए लेट्स स्टार्ट. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम. कम्युनिटी क्या होती है बेटा? कम्युनिटी इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ
populations. जब populations बहुत सारी parrots हो गए, right birds हो गए, different types के animals हो गए, groups of population मिलकर क्या बनेंगी? Community. And when they react, when they respond to the biotic and abiotic components, that is called the ecosystem diversity. It is related to the different types of ecosystems or habitats. जो land में होते हैं terrestrial, उसमें forest भी आते हैं, grasslands भी आती हैं, deserts भी आती हैं. जो पानी वाले ecosystem होते हैं उनमें fresh water, marine ecosystems आते हैं. Sacred groups पे तो MCQs आते हैं. Sacred का मतलब ही क्या हुआ? जिसकी पूजा की जाती है. बिश्नोई कम्युनिटी के पास अपने सेक्रेट ग्रूव्स हैं, राइट? फॉरेस्ट्स, ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फॉर सेट साइड एंड ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन फॉर वेनरेटेड. वेनरेटेड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड. वेनरेटेड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पूजनीय हो, दैट इज कॉल्ड एज वेनरेटेड, राइट? डन एवरीबॉडी? आपको रोल डीपीपी मिल जाया करेगा बच्चे. So this is called your sacred groves. Karchalapalli is a sacred grove which is found in Sikkim. Ab bio prospecting, bahut important word hai. Prospects kya hai? Future mein iske prospects kya hai? Molecular biology, kya main insulin ko humulin ke form mein banakar bech sakti hu? Human insulin ke form mein. Genetic and species level diversity. For product of economic importance. Bio prospecting में अभी क्या आया अरुणिमा वंदना? अभी क्या आया bio prospecting में? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर, स्पुटनिक. Bio prospecting की क्या मैं वायरस के RNA के, क्या मैं वायरस के attenuated form के, क्या मैं वायरस को किसी तरह से यूज करके क्या मैं वैक्सीन बना सकती हूँ? कॉन्जर्वेशन करना. कॉन्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्जर्वेशन हमें जीन पूल देता है. जितनी ज्यादा हम कॉन्जर्वेशन करेंगे उतना ज्यादा वो जीन पूल हमारे पास आएगा. तो कॉन्जर्वेशन होगी इन सीटू. जब भी मैं किसी भी हैबिट, इसका मैं आपको ना एक चार्ट दिखाती हूँ, रुक जाओ. सबसे पहले इधर आ जाओ, देन आई विल टॉक अबाउट. इधर आ जाइए. कॉन्जर्वेशन हमेशा दो टाइप की होती. फिर मैं वापस जाती हूँ. जब भी मैं किसी चीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रही हूं. और कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मेरे पास आज 50,000 डिफरेंट पेड़ कंजर्व है तो मेरे पास उतना बड़ा जीन पूल है. अगर मेरे पास कम पेड़ कंजर्व है तो मेरे पास जीन पूल उतना ही छोटा है. इन सीटू कंजर्वेशन इज ऑन साइट. इन सीटू कंजर्वेशन इज इन देयर नेचुरल रिसोर्सेज. एक्स सीटू कंजर्वेशन इज outside, when I put them in the zoos, outside of their natural habitat. When I put them in their natural habitat, that is called as the in situ conservation. Hotspots, for example, Western Ghats and Eastern Himalayas. तो अगर मैंने किसी का भी conservation Western Ghats और Eastern Himalayas में किया है, that is referred to as in situ conservation. Is that clear, everybody? Sacred groves and forests. में अगर मैंने कुछ कंजर्व किया. सेंचुरीज, बायोस्फेयर रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल द नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व, इट इज अ इन सीटू कंजर्वेशन. नीलगिरी बायोस्फेयर में जो भी नीलगिरी नीलकुरुंजी इज कंजर्व, तापीर इज कंजर्व, दैट्स इन देयर नेचुरल यू नो फॉर्म एंड नेचुरल नेशनल पार्क्स. होम गार्डन्स, कोई आपने घर में प्लांट उगाया, सीड बैंक्स, फील्ड बैंक्स, -160 डिग्री सेल्सियस में नेचर ने तो नहीं कंजर्व किया ना, ह्यूमंस ने किया है. बोटानिकल गार्डन्स ह्यूमंस ने उगाया. आर्बोरिटम्स गवर्नमेंट्स लगाती है, ह्यूमंस लगाते हैं. जूज एक्वेरियम्स आर्बोरिटम्स बोटानिकल गार्डन्स, ये सब एक्स सीटू है. कुणाल, प्लीज गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर? Is that clear, everybody? So -196 degrees Celsius pe kaun kar raha hai? It is done by human beings. -196 degrees Celsius. It is done by human beings. So all of these are ex situ conservation. Please remember the different types of conservations. It is very, very important. Very important. So ye tha aapka in situ conservation, ex situ conservation. Hotspots kya hote hain? जहां पर बहुत हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है. ये वर्ड अगर आ गया, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, कौन से एरिया में पाए जाएंगे? एंडेमिज्म, राइट? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से होंगे? ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स बहुत हाई लेवल है. इज दैट क्लियर? दीज आर योर चीट शीट्स ओनली बेटा.
यही आपकी चीट शीट्स है, यू मस्ट यूज दीज नोट्स एज चीट शीट्स। जिसने ये नोट्स बना लिए, एग्जाम में देखना कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। लास्ट मिनट एमसीक्यूज करवाऊंगी थ्योरी, दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज, दिस इज हाउ यू शुड हैव योर नोट्स। अर्थ समिट, सेवरल नेशंस कहां मिले थे अर्थ समिट, दोबारा रिवाइज करवा रही हूं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992 टू डिस्कस मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए कौन सी मीटिंग हुई थी? अर्थ समिट। अर्थ समिट कहां हुई थी? रियो डी जेनेरियो। कौन से साल में हुई थी? 1992। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रही हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां हुई थी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सी जगह पर हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली मीटिंग? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग इन 2002 टू रिड्यूस द रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। और अगर कोई स्पीशीज एक ही जगह पाई जाती है उसे एंडमिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द एंडेमिक स्पीशीज इज नीलगिरी थापेर विच इज ओनली फाउंड इन नीलगिरी। For example, it is Neelakurunji, which is only found in Neelgiris. Endemic species, snow leopard is an endemic species. Understood, which is only found in a specific area. For example, kangaroos, koalas, endemic species. Right? Now, this is very important. This is a species-area relationship. Teen ya char baar aa chuka exam mein pehle. In last 5 years, it has come 3 times. In last 10 years, it's come 6 times. It's very, very important. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये एनसीईआरटी का है और एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। आज एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रिवीजन है, मैक्सिमम चीजें ये देखिए। एक बार मैं बायस का रिजल्ट कराता हूँ, देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे दिख गए, सारे एनसीईआरटी के इकोसिस्टम के एग्जाम्पल ढूंढ के ले आई हूं मैं। ऑसम सीरीज है गाइस, सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, मतलब एक पेज पे लिखवा दिया, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। रट्टे मारो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे, एक पेज पे लिख लो मेरी तरफ सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, क्योंकि आप वरना कंफ्यूज होते घूमोगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी सारी के सारी, स्टेप्स ऑफ डी एंड डी कम, और उसके बाद सारे एनसीईआरटी के डायग्राम करा दूंगी मैं। देख लो ये, देख लो ये, देख लो ये, देख लो, राइट पूरे का पूरा, मतलब लेजेंड ले टोपी हो जाएगा गाइस। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। तो आज थोड़ा स्पीड से मेरे साथ चलते बनो, डन, हाथ बनाते रहो स्क्रीन पे, अपनी एनर्जी मुझे देते रहो, योर एनर्जी शुड कीप कमिंग टू मी। और आज स्क्रीन पे हाथ बनाते रहो, आज तो पढ़ना है भाई, दबा के पढ़ना है। क्या कहते हो, डन? यस, सो अमेजिंग, यस ओपी। तो गाइज लेजेंड लेट है तो मेरे हाथ बना दो, आज अपनी एनर्जी मुझे देते रहो। आपको पता है गला थोड़ा सा मेरा खराब है, तो गला खराब होने की वजह से I don't really have, you know, that full josh, full energy. You keep giving me your energy, keep making hearts on the screen, keep copying it down. तो species area relationship क्या करता है? ये area है, मान लो ये जितना मेरा स्टूडियो उतना ही है। तो अगर मैं यहां से एक्सप्लोर करना शुरू करूंगी, जो मैंने सिर्फ इतना ही एरिया एक्सप्लोर किया छोटा सा, तो मुझे लगा यार बहुत बड़ा है, बहुत एनिमल्स मिल गए मुझे 10-15। फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगी और एनिमल्स मिल जाएंगे, मैं और एक्सप्लोर करूंगी और, बट फाइनली जब मैंने एक बार पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर दिया, फिर मुझे और ऑर्गेनिजम्स जो मिलना है वो बंद हो जाएगा। वहां से एक्सप्लोर, मैं जूनागढ़ चली गई और मैंने जूनागढ़ में गिर नेशनल पार्क पूरा एक्सप्लोर कर लिया। तो पहले 2-3 दिन तो मुझे बहुत एनिमल्स मिलेंगे, बहुत प्लांट स्पीशीज मिलेंगी। फाइनली जब मैंने वो पूरा 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सप्लोर कर लिया, देन आई विल रीच अ कॉन्स्टेंट, आई विल रीच अ प्लैटू, आई विल रीच अ कॉन्स्टेंट। यार अब तो और नहीं मिलेंगे, शुरू में बहुत मिलेंगे। विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंगली एक्सप्लोर्ड एरिया फर्स्ट, बट ओनली अप टू अ लिमिट। जब आपने एरिया को पूरा एक्सप्लोर कर लिया, देन इट इज गोइंग टू स्टॉप, right? The relationship between species richness and area turned out to be a rectangular hyperbola for a wide variety of taxa. अगर मैं logarithmic scale पे बोलूं, तो it is log s is equal to log c plus z log a, whereas s is equal to species richness, c is equal to the y intercept, right? a is equal to area, Z is equal to the slope of the line of regression coefficient. कि species richness एक level तक ही बढ़ेगी ना, it needs to increase till a level. After that, when I've completely seen that area, it cannot increase any further. Is that clear, everybody? Z is equal to the slope of the line. Is that clear? जो
16 हो चुके, मेरे एनसीईआरटी से उठाए तीन या चार बार रिपीटेड एग्जांपल्स है. एवरीबॉडी ऑन माय स्क्रीन, वन बिग हार्ट प्लीज. डोंट गो इन मॉरिशियस, क्वागो इन अफ्रीका, थाइलसीन इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ इन रशिया. एंड इसके तीन सब स्पीशीज ही बाला, बाली, जावान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर. बालीनीज टाइगर अलग था, कैस्पियन टाइगर, जावा, सुमत्रा, बोर्नियो वाला टाइगर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में एमसीक्यू में आया हुआ है, ये तो 2 times एमसीक्यू में आया हुआ है, ये तो 3 to 4 times एमसीक्यू में आया हुआ है. स्टेलर सीकाओ भी आजकल एमसीक्यू में आई हुई है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या फर्क पड़ता है? अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी प्लांट नहीं होगी. रेजिस्टेंस, राइट, 5-6 प्लांट्स रह जाएंगे बस, मल्टीपल वैरायटीज नहीं होगी, जीन पूल कम हो जाएगी. इन्वायरमेंटल अगर डिस्टर्बेंस होंगी, ड्रॉट होगी, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, दे विल नॉट हैव रेजिस्टेंस. और प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट, डिजीज, बहुत वेरिएबिलिटी होगी. देखो अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हो और अगर कोई पेस्ट अटैक हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. स्पीशीज ही 3 या 4 रह गई तो गड़बड़ हो जाएगी. इज दैट क्लियर? Purnima, Simranjot, everybody is there. And guys, make sure that you are liking, make sure that you are sharing, and make sure that each one of you is subscribing right now. Red list category. Ab ye chart to bada important hai. This chart is like super important, right? Super se bhi, duper se bhi, upper se bhi super important. I purple you. Ye purple hearts kya hote hain guys? Mujhe nahi pata. Done. My class is 9th. Rituraj, aapki class 9th hai, to aap jao sare. सारी कॉलोनी के लिए खीर बना के डिस्ट्रीब्यूट करो. यहाँ पे अनाउंस मत करो कि आपकी क्लास 9th है. क्लास 9th वाले बच्चों थोड़ी स्टोरी बुक्स पढ़ो, थोड़ा एंजॉय करो, सनलाइट देखो, तारे गिनो आसमान पे, राइट, वो लव मी नॉट निकालो, एंजॉय करो जिंदगी में. और बहुत काम है, इतनी जल्दी अपना बैंड बजाने की जरूरत नहीं है. डन, ठीक है बेटा, प्लीज जाओ. आई नो आप क्लास 9 में हो, यहाँ बाकी बच्चे 11th, 12th और 13th वालों के जले पे नमक मत छिड़को. इतने सुंदर दिन पे आप जाओ और अपने एक आम के पेड़ के नीचे झूला टांग के लेट जाओ और गिनो कितने आम लगे हैं, राइट, विच कलर इज इट खेलो, कुछ मतलब नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलो, थोड़ा टाइम पास करो, घूमो फिरो, ऐश करो. इतनी जल्दी क्यों आ गए अपना मतलब यू नो बैंड बजवाने? डोंट वरी, बाद में बजना ही है ना, ठीक है, बाद में बजना ही. 9th इतना अनाउंस कर करके माई क्लास इज 9th, माई क्लास इज 9th, ऐसा तो आपने कुछ अचीव नहीं किया है. या तो 2 साल उम्र और 9th क्लास में आ गए और टाइप वाइप कर रहे हो, फिर तो समझ में आता है. 9th क्लास में जिंदगी जियो बेटा, ये बाकी बच्चों के जले पे नमक मत छिड़को. इनको तो आज देखो ईद के दिन भी पढ़ना पढ़ाना पड़ रहा है, आप थोड़ा एंजॉय करो लाइफ, है ना. बाय, जाओ जाओ खीर खाओ जाके, जाओ बाय. चलिए, डन एवरीबॉडी, यस. अरे रोस्ट बोल दिया, किसी का भला करो तो मतलब रोस्ट. बाय बेटा, बाय बाय, मिलते हैं 2-3 साल बाद, जिंदा रहे तो. बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय. जाओ जाओ, चलो निकलो, डन, आ जाओ बाकी लोग. रेड लिस्ट कैटेगरीज, राइट, रोस्ट आंटू अलग ही है. मेरे बच्चे तो यार किसी बेचारे का अच्छा भला कर दो तो रोस्ट आंटू शुरू हो जाते हैं. यस, चलो बच्चा, माई क्लास इज नाइन्थ. वैक्सीन ढूंढ ली होती है, आई हैव फाउंड वैक्सीन, हाँ से वायरस मर रहा है भाई. कुछ मतलब नोबेल प्राइज टाइप जीता है तो आ जाओ भाई अनाउंस. माई क्लास इज 9th, सारी दुनिया निकली है भाई 9th से, ये तो कब के निकले हो, इनको भूल गए बाकी बच्चों. माई क्लास इज 9th, हाँ भाई, हाँ, डन, एवरीबडी गोज फॉर 9th, है ना. यस, क्या कहते हो, माई क्लास इज 9th, देख रही हूँ मैं तब से, माई क्लास इज 9th भाई. हम बाकी लोग पढ़ रहे हैं छुट्टी वाले दिन, थोड़ा तरस खाओ हम पे. आपको पिछली स्क्रीन में इसके 5-6 टाइप के लिखवाए थे, ठीक है. क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, एग्जैक्टली ऐसे ही वर्ड रखना. अगर आया वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और ऑप्शन हुआ ए बी सी डी, क्या लिखोगे, लिख दो कॉमेंट सेक्शन में. वेरी हाई रिस्क इन द वाइल्ड एंड कैन बिकम एक्सटिंक्ट एनी मोमेंट ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एनी मोमेंट. इनको क्या कहेंगे, पिग्मी हॉग. नंबर 3, वल्नरेबल, काफी है पॉपुलेशन अभी, अंडरगोइंग डिप्लीशन ड्यू टू सम फैक्टर्स, ये इसको फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. क्लाउडेड लेपर्ड, एमसीक्यू,
काफी सफिशियंट है पॉपुलेशन. वाइल्ड में जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, किसी जंगल जंगल में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये लोगों ने रखा हुआ है जूज में, राइट, नेशनल पार्क्स के किसी बहुत ही ज्यादा रिसर्च वाले विंग में इनको रखा हुआ है. इंडेंजर्ड एरियाज में रहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज होती है बहुत ज्यादा. न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आया. यस, छोटा सा लैग हुआ, रिफ्रेश करो, वापस आ जाओ. न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ा किसी ने. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लैग एंड न्यूक्लियर अटैक. तुम तो ऐसे करते हो जैसे लैग नहीं है, किसी ने मिसाइल ही दाग दी होती है भाई. ऐसा मतलब त्राही त्राही मचाते हो, ऐसी त्राही त्राही मचाते हो कि यार, मतलब मेरे को लग रहा है अगर मिसाइल आ भी रही है ना, वो मिसाइल वापस मुड़ जाए. यार यहाँ नहीं मैं अटैक कर सकती, यहाँ तो मैं ही पिल जाऊंगी. इतना मतलब सच में कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ, कोई रेडियो एक्टिविटी वाला बॉम्ब नहीं छोड़ा, ये छोटा सा लैग हो गया. तो तुम तो मतलब मिसाइल को डरा दो यार. मेरे को लगता है इंडिया को तो आयरन डोम की जरूरत नहीं है. सच में इंडिया को आएगा, ये बायोटोनियंस को सारी सिटीज में खड़ा कर दो, ऐसे हाइपर होके घूमेंगे. अगर बाय चांस कभी किसी ने अटैक कर भी दिया तो आयरन डोम से भी बढ़िया रिपेल करेंगे ये टोटल मिसाइल को अटैक, मिसाइल अटैक से बचने के लिए. मुझे लगता है ये तो मेरे को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए आज, राइट. आज मिसाइल अटैक से बचने के लिए इंडिया ने, इंडिया के पास एक बहुत स्पेशल रेडार है, उसका नाम है बायोटोनिक रेडार. इतना हाइपर गिरी तौबा, क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, अलग ही लेवल है यार. यस, मतलब क्या, मतलब लगता है कोई ऐसे वैसे वो डांस करते हो स्पेशल डांस हाइपर होके, क्या ही अलग. यस, आता माजी सडनली टाइप का कोई डांस करते हो और अजब है. मतलब आज सच में अलग ही कार्टून नेटवर्क चलाया हुआ तुम लोगों ने. एक सांस भी लेते हो लैग लैग बोलते समय, लैग 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 लैग, राइट. तो एक्सटिंक्ट वो है जो कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं, जो बहुत हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है. वाइल्ड में उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं, जिनको डिप्लीशन ड्यू टू सम फैक्टर्स दैट इज फेसिंग रिस्क ऑफ, अगर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आया. भाई आ गए, क्या कर, अब एक काम करते हैं, मैं तो खीर ही खा लेती हूँ जाके, कल क्लास ले लेते हैं, क्या कहते हो, क्या कहते हो, कल क्लास ले ले. इस बार लाइव हुआ ना, तुमने ट्राई ट्राई मचाई, फ्लाइंग चप्पल अटैक कर दूंगी मैं, राइट. जो रेयर है स्पीशीज उनका नाम होता है रेयर स्पीशीज, और जिनको नॉट इवैल्यूएटेड, जैसे हाउस में माउस है, इसका क्या है, हर घर में होंगे, आसपास होंगे, तो इसके लिए मतलब कोई जरूरत नहीं है डेटा देखने का, राइट. तो जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में आ सकते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ये चार याद रखो, डन. ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोअर रिस्क भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक दो तीन चार, इज दैट क्लियर एवरीबडी. हाउस में माउस तो हो गया यार, मतलब राइमिंग हो गया, मुझे भी नहीं पता था हाउस में माउस तो एक्चुअली राइमिंग हो गया, राइट. हर हाउस में माउस होगा, उसका क्या डेटा निकालोगे, ठीक है. आ जाओ, ये चार फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इविल ट्राइड कहते हैं, इविल क्वाड्रेंट. क्या नाम सुना होगा ना इसका, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है, इविल क्वाड्रेंट. क्या कहते हैं इनको, इविल क्वाड्रेंट. सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो भी माइग्रेट करते हैं एमसीक्यू, अगर आप उनका घर तोड़ दोगे तो ऑब्वियसली वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. एक बहुत बड़ा सा घर है, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, दोनों अंकल ने बीच में दीवार बना दी, तो मतलब दोनों घरों के बीच में रिश्ता टूट गया. हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, अगर आप हैबिटेट को तोड़ोगे तो जो माइग्रेशन है वो कम हो जाएगी,
स्पेशली अगर आप एमेजॉन रेन फॉरेस्ट में करोगे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन हो सकती है. अगर आप नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में ट्रेन बना दोगे, तो एनिमल्स जब माइग्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी डेथ उन पे अटैक हो सकता है, को एक्सटिंक्शन. आपको पता है कि जो सनबर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर फ्लावर का नेक्टर ही पीती हैं. अगर ये फ्लावर जो एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो सनबर्ड भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी. जब होस्ट एक्सटिंक्ट होगा तो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट होगा. अगर यक्का जो है वो एक्सटिंक्ट होगा तो ऑब्वियसली प्लांट भी एक्सटिंक्ट होगा. इज दैट क्लियर? राइट. अगर प्रोडूबा मॉथ है, यक्का फ्लावर है, तो वो दोनों आपस में एक्सटिंक्ट होंगे बिकॉज को एवोल्यूशन कर रहे हैं. अगर आपने पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास जिसे कहा जाता है, अगर आपने लैंटिना, अगर आपने वाटर हाइसिंथ जो यूट्रोफिकेशन करवा देगा, राइट, अगर आपने जिसको आइकॉर्निया भी कहते हैं, अगर आप ये लगाओगे तो, बट ऑब्वियसली ये जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है. ये जो लोअर स्पीशीज है या जो इंडिजिनस स्पीशीज है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे. 3 एमसीक्यू में आती है. जब आपने नाइल पर्च को, ये एमसीक्यू का बहुत फेवरेट है, ये मैंने पूरा एनसीईआरटी से बनाया है. जब आपने नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया में, उसकी वजह से इंडिजिनस जो चिचलिड फिश थी उसकी 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई. 200 स्पीशीज बिकॉज ऑफ नाइल पर्च. इज इट क्लियर? वाओ दिया. मेनी स्पीशीज सच एज स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, जा 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 कबूतर, जा जा जा, राइट. तो बेचारे को भेज भेज के कहता चल मैं चला, बहुत हो गए, जा गा रहा है, मैं जा रहा हूं. पैसेंजर पिजन आर एक्सटिंक्ट ड्यू टू देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन. राइट एवरीबडी? सो दिस इज इट. हाउ, व्हाई शुड यू कंजर्व? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ह्यूमन हो, यू आर ह्यूमन, तो आपका इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी काइंड. इट्स योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द हाइएस्ट लेवल. कौन सोचता है इतना? We don't really think about it, but that is the way it should be. That is ethical. सबसे पहले narrow अपना सोच ले. भाई पेड़ पौधों से लकड़ी मिलेगी, food मिलेगा, fiber मिलेगा, drug मिलेगा, medicine मिलेगी, timber मिलेगा, right? आज की date में cancer के सबसे strong drugs जिनको chemotherapy में use किया जाता है, उनको कहते हैं vincristin, vinblastin. Vincristin and vinblastin, both of them come from plants. But that's a narrow way. गला खराब है, काढ़ा पीते हैं, काढ़े के लिए अदरक, लौंग, इलायची, यू नो, तुलसी चाहिए होता है. कहां से आता है? प्लांट से आता है. राइट. काली मिर्च कहां से आती है? प्लांट से आता है. नैरो यूटिलिटी. खाते क्या है? राइट. रोटी, दाल, सब्जी कहां से आता है? प्लांट से आता है. ब्रॉड यूटिलिटेरियन. हमें पॉलिनेटर चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए. क्लाइमेट को रेगुलेट करेंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी. आजकल देखो बारिश इतनी अच्छी हो रही है बिकॉज ह्यूमंस बाहर नहीं निकल रहे. कोरोना वायरस के चक्कर में एक साल पॉल्यूशन कम हो गया है. सो दैट इज अ लिटिल ब्रॉड. सॉइल इरोजन करेंगे, फ्लड में रोकेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेंगे, दैट इज स्टिल ब्रॉड. भैया थोड़ा बड़ा सोच लिया. सबसे बड़ा, यार मैं टॉप ऑफ द पिरामिड पे हूं, मैं ह्यूमन हूं, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? दैट इज द एथिकल यूटिलिटेरियन. सो कंजर्वेशन के लिए 3 मेन रीजंस है. एक इज अपना बारे में सोचो, नैरो थोड़ा और सोचो, एंड एज अ ह्यूमन सोचो, दैट इज योर ब्रॉड यूटिलिटेरियन. क्या आप देख रहे हो हम हर एक पॉइंट को टच कर रहे हैं? दिव्या जी, सलोनी जी, अनुष्का डोंगारी जी, समृद्धि जी, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो गाइस? एंड गाइस, हैव यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब? वी आर टचिंग अपॉन एवरी सिंगल पॉइंट. हर एक पॉइंट जो चाहिए होता है वो हर एक पॉइंट में टच कर रही हूं आपके एग्जाम के लिए. यस और नो? यस, परफेक्टो. चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ा जाए. टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कॉन्जर्वेशन क्या है जी? मेरे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्जर्वेशन क्या है बताते? तो ये मैंने आपको बताया, इन सीटू जो उस एरिया में रहते हैं उसी को कंजर्व करते हैं, और एक्सीटू क्या होगा? जो उसके नेचुरल रिसोर्स में नहीं होता. अब यहां पर लिख लो, यहां पर कुछ पेचीदे से सवाल आते हैं, बट गाइस आई रियली वांट योर हेल्प, एंड दैट्स व्हाट आई से इन एवरी क्लास. कोई छुट्टी नहीं यार, संडे को भी छुट्टी नहीं. संडे को तो इनफैक्ट मैराथन करवाया जा रहा है, ईद के दिन नो छुट्टी. मैंने इनफैक्ट, आपको याद होगा, दिवाली के दिन भी हमने सुबह वाला लाइव लेक्चर डिजीजेस पे था, इसलिए कैंसिल किया था, बट शाम को मिले थे. राइट, न्यू ईयर पे मिले थे. सो गाइस कम ऑन, दिस इज योर चैनल. व्हाट आई ओनली आस्क इज, दिस इज वन टीचर, वन चैनल, वन सब्जेक्ट. यस, तो यार हमारा भी मन करता है छुट्टी लो, पर फिर मैंने सोचा यार आप लोगों का तो एग्जाम सर पे आ रहा है, कितना स्ट्रेस होगा. छुट्टी उन ले लोगे तो आप लोग घर बैठ के पता नहीं पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे. कल टेस्ट रखा है, टेस्ट से पहले सिलेबस खत्म करा दिया जाए. सो रियली गाइस, योर
you know, your love matters a lot. Make sure that you're liking, not only liking, make sure that you help in the growth of the channel. एक बार मेक श्योर दैट यू नो यू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट. आप अपने स्कूल में जूनियर्स को, अपने कोई सीनियर्स हैं उनको सब्सक्राइब कराओ अगर आप 11th वाले हो. मेक श्योर दैट यू नो यू आर स्प्रेडिंग द वर्ड. दैट्स हाउ वी ग्रो एज अ कम्युनिटी. यू नो यू इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द चैनल मेक श्योर दैट यू लव योर चैनल बैक. एक कॉमेंट, एक लाइक, एक शेयर. मे बी अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो एक इंस्टाग्राम पे यार ये चैनल है मैं फॉलो करता हूँ. अगर फेसबुक पे डू दिस इट विल मेक अस फील सो लव्ड एंड केयर्ड इन रिटर्न. यस पक्का प्रॉमिस. चलो फिर आगे बढ़े, लेट्स डू. तो यहाँ पे चलते हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं इंपॉर्टेंट वाले शुरू में डाले पर मैंने सारे कवर किए कि बाय चांस एग्जामिनर ने कोई ऐसा पूछ लिया जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे, राइट? तो काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है. सुंदरबंस क्या है? टाइगर के लिए वेस्ट बंगाल में है. हजारीबाग झारखंड में है. जिम कॉर्बेट सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड नैनीताल में है. ये है राइनोसरस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एलिफेंट और बाकी सबको तो करता है सांबर. देखो सांबर जो है ना वो खाना होता है, इडली सांबर वाला सांबर नहीं, सांबर डियर वाला, राइट? इडली सांबर वाला खाना आपके और मेरे लिए होता है, ये सांबर डियर वाला है. तो सांबर जहां पे राइनोसरस होगा, एलिफेंट होगा, टाइगर्स होंगे, वहां पे सांबर डियर तो होगा ही. जो व्हाइट टाइगर होता है रॉयल बंगाल टाइगर और रिडली टर्टल सुंदरबंस के लिए, राइट? हजारीबाग के लिए टाइगर के लिए. जिम कॉर्बेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड द नॉर्मल टाइगर, राइट? इट इज फॉर टाइगर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड इज फेमस फॉर टाइगर कॉन्जर्वेशन. जिम कॉर्बेट एग्जाम में आता है. तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है. यहां पर हजारीबाग इतना नहीं है पर बाकी इंपॉर्टेंट है. गीर is very important. It is the most important one for Asiatic lion. Kanha is in Madhya Pradesh. ये मध्य प्रदेश है, आ सकता है. Bandipur is in Karnataka and Desert National Park. One of India's biggest bird is the Great Indian Bustard. तो Great Indian Bustard एक migratory bird है जो आता है Desert National Park जैसलमेर. दाचीगाम एक या दो बार पहले आ चुका है बिकॉज ये जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस है और ये हांगुल और कश्मीरी स्टैग और एक वो डियर होता है जिससे खुशबू आती है जिसका नाम होता है मस्क डियर. तो ये एमसीक्यू में आया हुआ है. स्नो लेपर्ड भी. मुदुमलाई जो है वो आपके बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है. नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश में. पेरियार इज फॉर एलिफेंट, वेरी फेमस केरला. चिल्का इज अ बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा. सबसे ज्यादा बड़ी लगून वाली बर्ड सेंचुरी एशिया की है. मानस इज फॉर एलिफेंट, एग्जाम में आया हुआ है. कहां पर है? आसाम. सो टाइगर और एलिफेंट के लिए मानस इज इन आसाम. दाचीगाम एग्जाम में आया हुआ है. पेरियार एग्जाम में आया हुआ है. चिल्का एग्जाम में आया हुआ है. मानस एग्जाम में आया हुआ है. फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया नेशनल पार्क वॉज जिम कॉर्बेट. बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट इज नीलगिरी. नंदा देवी इज इन उत्तराखंड. गल्फ ऑफ मन्नार इज इन तमिलनाडु. अगस्त्य मलाई इज इन तमिलनाडु. सुंदरबंस इज इन वेस्ट बंगाल आया हुआ है. मानस इज इन असम आया हुआ है. कंचन देनजोंगा दिस इज ऑल्सो सेक्रेड रिजर्व सिक्किम आया हुआ है. नॉर्थ क्रेक इज इन मेघालय. सो स्पेशली जो आए हुए मैंने उनको अलग से लाइन मार्क करके दे दिया है. इज दैट क्लियर बेटा? इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा. इतने सालों के लिए क्या ट्रिक बनाओगे? ट्रिक से भूल जाओगे. आई थिंक ट्रिक बनाना विल बी इवन मोर डिफिकल्ट. आप भूल जाओगे ट्रिक से. डन. ग्रेट निकोबार आसाम अंडमान में है. सिमलीपाल ओडिशा में. दिब्रू सैखोवा आसाम में है. देहांग दिबांग अरुणाचल में है. अचल कुमार अमरांतक मध्य प्रदेश. कच्छ गुजरात में है. कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में. शेषा चोला आंध्र प्रदेश में. और पाना मध्य प्रदेश में. डन. पर इसमें मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया. बाय चांस कुछ आ गया एटलीस्ट आपके पास एक जगह नोट्स में होने चाहिए. नीट 2023 के लिए कुछ कराइए. रोज शाम को 5 बजे क्या होता है बेटा? चाय पे चर्चा. समोसे बनाने की रेसिपी शेयर होती है. पकोड़े बनाने की रेसिपी वो तो मुझे आता ही नहीं है. रोज शाम को 5 बजे मुझे लगता था नीट 2023 के लिए कुछ करते हैं. ओ माय गॉड, इतने दिनों से मैं पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ 5 बजे. शिट, मुझे तो पता ही नहीं था. मुझे लगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं डिटेल में हैंडमेड नोट से पढ़ा रही हूँ. हाँ, मुझे तो आज पता चला.
कि मैं आलू उबाल के समोसे बनवा रही हूँ, राइट? बेटा रोज शाम को 5 बजे एक बार चैनल में आए हो तो देख भी लो. यस, इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? डन. मेरे को तो लगा यार, मेरे को तो लगा मैं पढ़ा रही हूँ शाम को 5 बजे, आज पता चला मैं तो नींबू पानी बनवा रही हूँ, राइट? नहीं यार बेटा, शाम को 5 बजे रोज क्लास 11th को पढ़ाया जाता है, रात के 9 बजे रोज क्लास 12th को पढ़ाया जाता है, और सुबह 10 बजे बिरयानी पुलाव नहीं बनाया जाता, वो मुझे भी बनाना नहीं आता. सुबह 10 बजे क्रैश कोर्स चलता है NEET 2020 का, पढ़ा रही हूँ बेटा ये. यस, Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Everywhere the Mary went, the lamb was sure to flow. नर्सरी लाइन थोड़ा करा रही हूँ, पढ़ाई रही हूँ, नालायक पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. Yes, everybody, चलिए let's come to the next topic, ecosystem. इसके अलावा तो मुझे कोई नर्सरी लाइन भी नहीं आती. Done, चले. अरे भाई रोस्ट टॉपिक ही होता है यार ये, मतलब दिस इज कॉल्ड जिंदगी. इसमें रोस्ट क्या है, सच्चाई बता रही हूँ यार. रोज शाम को 5 बजे नींबू पानी बनवा रही हूँ मैं. चलिए प्रोडक्टिविटी, आइए इंपॉर्टेंट ऑफ द इकोसिस्टम पे दिखाई देती हूँ, पता नहीं कहा. यस, एवरी डे फर्स्ट, इसीलिए मैंने एक स्लाइड भी डलवाई है यार बच्चों, आज पढ़ाना भी चलो इकोसिस्टम, जल्दी आ लो. 2021 11th क्लास, 2023 5 PM 9 PM 12th क्लास, नीट 2022, राइट? एवरी सिंगल डे वी डू दिस, एवरी डे. वे नॉट छुट्टी वाला डे, आज भी क्लास है विटामिन की, बहुत इंपॉर्टेंट. फ्राइडे डन, मेंटी भी हो गया क्लास के बाद. ये ना देखो मेंटी का विंडो, पढ़ने पढ़ तो लो नालायको, फिर मेंटी कराऊंगी. डन, राइट? बट प्लीज गाइस, मेक श्योर आप फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कर लो. बायो आपकी मैं रॉक सॉलिड करवा दूंगी, रॉक सॉलिड. 360 ऑन 360 आपके बायो में आ रहे हैं विद वाणी मैम, विद दिस क्रैश कोर्स. अभी पूरा क्रैश कोर्स लगाओ 360 ऑन 360. बट बेटा जब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करोगे, आप 360 ऑन 360 ले आओ, आपको रैंक नहीं मिलेगी. गो एंड गेट योर सेल्फ अ टीचर, गिव टेस्ट एंड आंसर योर डाउट. अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, स्पेशली 2021 अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, बिगेस्ट ब्लंडर. अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, उससे भी बड़ा ब्लंडर, बिगेस्ट ब्लंडर. और जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है यूट्यूब से इधर उधर से, पर डाउट्स नहीं सॉल्व हो रहे, वन मोर ब्लंडर. सो प्लीज मेक श्योर ये तीनों चीजें आप सॉल्व कर रहे हो. कम हियर, इफ यू कम टू द होम पेज हियर, एंड गाइस अगर आप अपने यहां जाओगे तो आपको ये दिख जाएंगे अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स, राइट? ये रहा 10th मूविंग टू 11th, 11th मूविंग टू 12th, ये देखिए, राइट? तो आप यहां पर आइए, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज एवर. Trust me, if you trust me and if you just listen to me, it is one of the best ever courses. One of the best ever courses. Just come here to the NEET 2021 crash course. Ek course shuru ho raha hai 10 Mai ko, ek course shuru ho raha hai 17 Mai ko. Every week we are starting new courses with teachers. Everybody gets my live lectures. Why do we start them? Because all our courses go house full. Each and every course of ours goes house full. Because यार उसको हमें नया कोर्स शुरू करना पड़ता है, क्लोज कर देते हैं बैचेस को. That is how many students are attending the crash course, giving Sunday tests, physics, chemistry, bio of entire 11th and 12th. You boost your rank, आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा. आप सिर्फ फोटो ऑफ डाउट डाल दो, सिर्फ फोटो. आपको डाउट एक्सपर्ट्स दिन में 24 घंटे डाउट आपका करेंगे. स्ट्रैटेजीज, टेस्ट, 20 टेस्ट दिए जाएंगे आपको. लाइव क्लासेस, इंटरक्टिव क्लासेस, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, हैंडमेड नोट्स ऑफ द टीचर. और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, कंटिन्यूड सपोर्ट. सो यू नीड टू क्लिक ऑन बाय नाउ. वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, यू अप्लाई द कोड VDNEET एंड कम, राइट? डू गेट द क्रैश कोर्स गाइज, डू गेट द क्रैश कोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप 7000 का ब्रेकअप करोगे तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, इट विल कम टू सम 10-12 रुपीज फॉर वन डे. Don't miss this, right? And you will even get my classes. ये देखिए, genetics करवा रही हूँ मैं आपको, body fluids and circulation करा रही हूँ. 11th का topic, 12th का topic. These are my classes. 15th में, 17th में, 18th में, 19th में. Every day आपको जो भी crash course or pro membership लेगा, you will all get access to my classes. इतने सारे आपको, these are my classes which happen leaderboards. See, right? Every day ये देखिए, ये पढ़ा रही हूँ मैं, इनके doubts ले रही हूँ मैं. करेक्ट एवरीबडी, मैं आजकल फिजियोलॉजी ही करवा रही हूं, वहां पर आपको दिख रहा होगा. एंड आप टेस्ट दो गाइस.
पता चलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या गोले मार रहे हो, जितने टेस्ट होंगे फिर पता चलेगा यार कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो होश उड़े पड़े हैं। तो प्लीज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो फिजिक्स केमिस्ट्री, मेक श्योर दैट यू गिव, एंड इतने सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल हो जाओगे, कंटेंट आपको मिलता है, कंटेंट सारा डाउनलोडेबल आपको क्रैश कोर्स में मिलता है। चलो आ जाओ, तो सब मैंने आपको करा दिया, अब मैं आपको इकोसिस्टम पर लेकर जाती हूँ। डन, तो कल मैं जहां तक आज की क्लास में खत्म करा दूंगी वहां तक मैं आपको कल की क्लास में क्विज पूछूंगी, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले आ जाइए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे, तो आपको बता होना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक पे आपको पता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज तो बाय हार्ट होने चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है सनलाइट एब्जॉर्ब करके जितना प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले आ जाएगा एग्जाम में कंफ्यूज हो गया, तो ग्राम पर ईयर का हो या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एमसीक्यू रखता हूं। ये बहुत देखो दिखने में इतनी छोटी चीज लगती है पर जब आपने एक जगह लिखा नहीं है, यस जब आपने एक जगह लिखा नहीं है तो कैसे फिर मतलब आपको याद रहेगा ना। प्रोडक्टिविटी राइट, जीपीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट ग्रॉस जो है उसमें से कुछ हम यूज कर लेंगे ना रेस्पिरेशन के लिए, कुछ तो हम यूज कर लेंगे अपनी एनर्जी। गाइस कैन यू हियर मी एंड सी मी, लैग हो गई अब आ गई, आज तो लैग क्वीन बन गया, चाहता नहीं है लैग कि हम पढ़े, तो एक काम करें कहीं स्टार्ट दिस टॉपिक मेंटी कर ले अभी एंड वी स्टार्ट दिस टॉपिक, कल दो टॉपिक्स का टेस्ट ले लेती फिर मंडे को ये वाला टॉपिक करा दूं, इज दैट फाइन, डन मेंटी कर ले अभी, क्या कहते हो। इस टॉपिक को तो एक घंटा पूरा चाहिए, वी रिक्वायर वन कंप्लीट आवर, चलो आ जाओ फिर मेंटी पे, चलो 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 लेट्स गो यार, हमारे पास कोई जल्दी नहीं, अभी तो हमारी डेट्स ही नहीं आई एग्जाम की, कोई जल्दी है ही नहीं, चलो इसको रिफ्रेश कर रही हूं मैं, तो आपका मेंटी का कोड है 4180 4180 08, क्या था पूरा कोड 4180 0826 4180 0826, आ जाइए 41, प्लीज गो टू menti.com 4180 0826। चलो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का मेंटी है, मैं बड़ी चलाक हूं, इकोसिस्टम का मेंटी नहीं है, तो ऐसे menti.com विंडो ओपन करो 4180 0826 लिखो यहां 4180 0826 और कर दो सबमिट। चलो ऑसम ब्लॉसम, पुराने चैप्टर का मेंटी है गाइस, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू बिकम, दिस इज हाउ वी टीच यू इन आवर रेगुलर क्लासेस, जस्ट सी दैट, जस्ट सी 3D animations होती है, हर एक टॉपिक की 3D animations, हर एक चीज की 3D animations हमने बनवाई है, आपको एक एक चीज हम 3D animation से करवाते हैं, right? बहुत amazing होती है regular classes, don't forget to become a part of it and don't forget to become a part of the latest thing which I'm doing for all Biotonians is to create a voice for you, to make sure कि आपकी हर एक problem सुनी जाए, कुछ ऐसी बातें जो यहाँ पर नहीं कर सकते but आपकी life के लिए बहुत important है, we are going to do them right here, right? आ जाओ तो menti.com पे आ जाओ, एवरीबडी ज्वाइन कर दो, मैंने रिफ्रेश कर दिया 4180 0826 और इसको मैं करने वाली हूं फुल स्क्रीन, आ जाइए ज्वाइंट, मैंने रिफ्रेश कर दिया एक और बार, एवरीबडी इज एबल टू ज्वाइन, बता दो सही, यस मैम आई एबल टू ज्वाइन, आई रिफ्रेश इट बच्चों, प्लीज गो टू menti.com नॉट ज्वाइनिंग, शायद एक लास्ट टाइम रिफ्रेश कर रहे, शायद कल का मेंटी है इसलिए ना चल रहा, तो विल गेट द क्वेश्चंस टुमारो, अब चल रहा है, नो फोर वन एट जीरो 0826 नॉट ओपनिंग, तो एक काम करते हैं गाइस।